कानपुर की सीसामऊ सीट से मतदान के बीच सामने आए इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। पुलिस के अधिकारी सुरक्षा में तैनात हैं। इसी बीच वोटिंग करने के लिए वहां पर बुरके में एक महिला एक शख्स के साथ पहुंचती है। उनके वहां आते ही एक पुलिसकर्मी उनके पास जाता है, फिर शख्स जेब से आधार कार्ड निकालकर पुलिसकर्मी को दिखाता है। उसके बाद शख्स से पुलिसकर्मी कुछ कहते हुए नजर आते हैं। इस बीच महिला से पुलिसकर्मी मतदान वाली पर्ची हाथ से वापस ले लेता है और दोनों को बिना वोट डाले वापस भेज देता है। वायरल हो रहे इस वीडियो की एनबीटी ऑनलाइन पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की ओर से शेयर कर इस वीडियो को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं पूरे प्रदेश से सामने आती खबरों के बाद विपक्षी दल समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार और प्रशासन पर जमकर हमलावर है और जबरन वोटिंग से रोकने की बात कह रहे हैं। इस बीच कानपुर से एक और वीडियो सामने आया जहां लोग मतदान के लिए अपने अपने कागज लेकर बैठे हैं, लेकिन उनका आरोप है कि उन्हें वोट देने नहीं दिया जा रहा और मतदान केंद्र के बाहर से ही उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। उपचुनाव की जो वोटिंग हो रही सीसामऊ विधानसभा के अंतर्गत कंपोजी स्कूल के पास में, यहाँ पे गेट नंबर 3 अंदर जाने सारे वोटर बैठे हुए हैं, अपने आधार ले करके वोटर आईडी है, सारी पर्ची है, उसके बावजूद जो है किसी का भी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं ये सारे लोगों का जो आपके साथ भी ये दिक्कत आई थी वोट की ना, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं किसी को भी वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, जबकि लोग अपनी आईडी लेकर के आए हैं, सारे प्रमाण लेकर के आए हैं। जब ये लेके जाते हैं, जाने के बाद में वहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन देखता है ऐसा कि आपके साथ मतलब गाड़ी वालों को नकाब वालों को खास करके वापस कर रहे हैं, तो नहीं साफ है। आप इसे कहिए हम लोगों का इसके पहले नाम था, इस बार नाम नहीं है, ये बता रहे ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम चाहते हैं कि प्रशासन जिस तरीके से ये रवैया अख्तियार है चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान ले, नहीं ऐसे कैसे वोट ऊपर उठ पाएंगे, वोट ही नहीं डाल पाएगा आदमी। जब आप गेटी पे रोक दोगे तो क्यों आएगा, बाहर जाने के लिए आएगा। आप ये पूरी तरीके से जो है सारी चीजें लिए हुए हैं, ऊपर ऊपर चल रहे हैं, पास वोटर आईडी है और फिर उसके बाद में जो है आधार है, तीन तीन चीजें देखिए। ये देखिए आप कई लोगों के पास जो है ये देखिए ये है, ये पुराना है, ये पहचान पत्र आधार कार्ड है, पैन कार्ड पुराना नया सारे प्रमाण है, हाँ, उसके बावजूद भी वोट निकालने दिए जा रहे हैं। नाम लेकर लोकतंत्र है, आप ये देखिए कि कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये परिवार है, क्या हुआ नकाब वाली है, ये आया ना ताने भी ना करे आप ये परिवार। दूसरी ओर हर जगह से सामने आती खबरें और वीडियो के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशासन और बीजेपी सरकार पर खूब आरोप लगाए। अखिलेश ने अधिकारियों के नाम गिना कर उनको चेतावनी दी। वहीं सपा के आरोपों पर बीजेपी भी जमकर पलटवार कर रही है और इसे सपा को दिखती हार के बाद झल्लाहट करार दे रही है। नहीं, हमारे पास जो नाम आए हैं कुनरगी के थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रावत, मेनाडेर की पुलिस थाना अध्यक्ष किरण पाल सिंह, एडीएम मुरादाबाद डीएसओ अजय प्रताप सिंह, और इनका नाम कौन नहीं जानता, कमिश्नर अंजनेय कौन नहीं जानता इनका, मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह। मेरी अपील है कि ऐसे दोषी अधिकारी तुरंत हटाए जाएं। कमिश्नर मुरादाबाद और सीसामऊ के दिनेश त्रिपाठी डीसीपी सेंट्रल कानपुर, दिनेश सिंह बिस्ट इंस्पेक्टर चमनगंज, रमेश श्रीवास्तव इंस्पेक्टर कर्नलगंज, ये जानबूझ करके इनको पोस्ट किया गया है कि वोट कैसे रोका जाए। क्या हमें आपको नहीं समझ में आ रहा, सेंट्रल कानपुर चमनगंज एरिया जहां सबसे ज्यादा वोट समाजवादियों को मिलना है, कर्नलगंज जहां समाजवादियों को वोट मिलना है, मैं अपने वोटरों से अपील करूंगा कि वोट डाल करके जरूर आए और तब तक जाते रहे पोलिंग स्टेशन पे जब तक वोट डर ना डाले। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।